अभी जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आगे वाले वीडियो में बताया था कि बच्चे 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। अब 24 घंटे बच्चा जब हमारे पास है तो अब हम उनको 24 घंटे पूरे यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होता है तो जो उनका दोपहर का टाइम रहता है 3 से 5 के बीच का, तो उसी समय दरमियान बच्चे अपना जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्कस करके डिसाइड किया हुआ रहता है उस पर वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट जो अभी अपने इस साल वाले वो आपके सामने हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये टंडेल हर्ष इस विद्यार्थी का नाम है, 8वीं क्लास का विद्यार्थी है, इसने बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या था कि आज अपन देखते हैं कि मॉल स्टेशन या कहीं पे भी जाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अभी रेलवे स्टेशन पर भी गए तो उनको एक तो खुद के चलने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, प्लस सामान उठाने के लिए कुली करना पड़ता है। अगर कुली तो सामान उठा लिया पर खुद को जाने के लिए प्रॉब्लम्स होती, तो उसका ही सोल्यूशन एक ये व्हीकल बनाया है कि इसमें आराम से वो अपना स्टेशन पर पहुँचे, आगे जो बकेट बनी उसमें अपना सामान रखो, सीट पे बैठो और सीधे रेलवे तक आप पहुंच सकते हो। दूसरा, आप मॉल में अभी देखो बड़ी उम्र के लोग रहते हैं, अगर उनकी मनपसंद कोई चीज़ उनको खरीदनी है लेनी है तो अभी ज़्यादातर वो क्या दूसरों से मंगवाते क्योंकि वो चल नहीं पाते, तो मॉल्स बहुत लंबा चौड़ा होता है तो उसमें वो कैसे घूमेंगे, कैसे अपना सामान लेंगे। तो अगर हम उसकी जगह ऐसी बकेट बनाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या मतलब वृद्ध लोग क्या है कि उसमें बैठ के अपनी जो मनपसंद है उन्हें जो लेने की इच्छा है वो चीज़ें वो खरीद सकते हैं। उसी पर्पज़ से उसने प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है। अभी ये 2 स्टेट तक जीत चुका है, स्टेट लेवल तक का कॉम्पिटिशन अभी कंटिन्यू है, आगे इनकी प्रोसेस अभी चालू है। कोरोना की वजह से इस साल थोड़ा ये लेट हुई है प्रोसेस। तो बच्चे से बात करेंगे, पहले परिचय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंडेल हर्ष कुमार सुरेश भाई है, मैं नवसारी से आया हूँ। कौन सी कक्षा में आप पढ़े? 8वीं कक्षा में। कैसे प्रेरणा मिली ये सब? इस गुरुकुल में आया तो वही सब हुआ। महेंद्र सर, ये दूसरे भी प्रोजेक्ट है देख रहे हैं। हाँ, ये एग्रीकल्चर के लिए उसने बनाया था कि अभी अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जिसको छोटी सी खेती करनी है तो उसके लिए हमने ये कल्टीवेशन सिस्टम बनाया हुआ है, तो इजीली वो क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर से ये चलेगा और आराम से कल्टीवेशन कर सकता है। जैसे छोटी मोटी आपको गार्डनिंग करनी तो उसके लिए कौन ट्रैक्टर खरीदेगा, बड़ा इक्विपमेंट कौन खरीदेगा, तो उसका ही एक सोल्यूशन बनाया है कि आपके आजू बाजू आप ग्रीनरीज बना सके, उसके लिए बच्चे ने प्रोजेक्ट सोचा था और ये बनाया है। ये प्रोजेक्ट भी 2 स्टेप तक जीत चुका है और आगे प्रोसेस कंटिन्यू है। अभी भी ये भी कोरोना की वजह से इस बार सारी प्रोसेस थोड़ी लेट हो गई है। हाँ, ये गोपी गोपी इसका नाम है, इस बच्चे ने ये बनाया हुआ, ये 8वीं क्लास का विद्यार्थी है। हम जब गांव में होते हैं तो जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें से धुआं ऐसा सब पॉल्यूशन होता है, जिससे मेरे को दिमाग में आया कि पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन को अटकाए, इसके लिए मेरे दिमाग में प्रेरणा आई। 8वीं। सर, और एक साइकिल है यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये इस प्रोजेक्ट ने तो बहुत आगे तक गया है, 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं और स्टेट के भी 2-3 अवार्ड्स मिले हुए हैं, और अभी हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और बहुत सारी प्रोसेस और आगे अभी तक ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है बापू जी की कृपा से, और बहुत ये यूज़फुल है। इसी प्रोटोटाइप को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने अपने व्हीकल्स भी बनाए और मार्केट में ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज अपने को देखने को भी मिल रहे हैं। हाँ, इसका नाम सोलंकी जय, इस विद्यार्थी ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। नॉर्मली अभी के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको अभी साइकिल पे जाना अच्छा नहीं लगता, वो लोग व्हीकल मांगते हैं, बाइक या फिर एक्टिवा, वो सब। तो उसमें क्या स्पीड ज़्यादा रहती है तो वो लोग ज़्यादा स्पीड में फुल स्पीड में चलाएंगे और बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान भी जा सकती है उसमें। इसलिए ऐसे एक साइकिल टाइप का हमने बनाया कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक से चला सकते, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और ये स्टाइलिश भी लगेगा कि जिससे वो लोग इसे कम प्राइस में भी इसको खरीद सकते हैं। कहाँ से ये सब प्रेरणाएं मिलती है? हम लोग इधर गुरुकुल में ध्यान भजन वो सब करते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स वो सब देखते हैं, बाहर की प्रॉब्लम्स देखते हैं, घर पे जाते तब उसके ऊपर से ये सब प्रेरणा मिलती है। भाई, जब बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो उनका जो समय मोबाइल में गेम खेलने में या उसमें टाइम पास में नहीं जाता है, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि स्वयं के लिए भी उपयोगी बने, समाज के लिए उपयोगी बने, ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार करना। और सबको हम हेल्प कितना अपनी तरीके से मतलब अपने लेवल से हम पब्लिक को कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर गुरुकुल कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है। और हमारा एम जैसे ज़्यादातर स्कूल्स में प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या रहता है कि छोटा मोटा कुछ प्रोजेक्ट्स बना दिया, रख दिया थर्मोकोल के ऊपर और वो बच्चे ने थोड़ा सा समझा दिया, पूरा हो गया, वो नहीं। हम यहाँ प्रोजेक्ट नहीं पर हम यहाँ प्रोडक्ट पर काम करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर बनाते हैं वो डेफिनेटली आगे जाके उपयोगी बनना चाहिए, उसको डायरेक्टली लाइफ में आदमी यूज़ कर सके ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। खुद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं
NIT में, IIT में, इधर जो मेरे स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट ही, अभी मेरा थोड़े दिन पहले ही एक स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, उसको 18 लाख का पैकेज मिला है। तो वो सारी चीज़ें जब वो उनको मिलता है तो वो तुरंत ही बोलते हैं कि सर यहाँ से जो चीज़ें हमने क्रिएटिविटी स्टार्ट की थी उसी को आगे जाके और हमने बढ़ाया। तो अभी कंपनीज में, जैसे कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर वो हमें हमारी थोड़ी जो क्रिएटिविटी उसको देख के वो तुरंत हमें जॉब ऑफर कर देते हैं। और डॉक्टर्स की जैसे अभी आपने बात की, तो अभी जो अपने सूरत की सिविल हॉस्पिटल्स हैं, इसमें अभी अपना गुरुकुल का विद्यार्थी, उसका डॉक्टरी कम्प्लीट से अभी वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। एक विद्यार्थी अपना वलसाड में प्रैक्टिस कर रहा है और एक विद्यार्थी का अभी फाइनल्स ईयर ही है, और दो विद्यार्थी हमारे डॉक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लस रही पायलट्स की बात, तो पायलट्स भी अपने स्टूडेंट्स बन चुके हैं, वो भी अच्छे से जिस इंस्टीट्यूट में उसने पायलट्स की ट्रेनिंग ली थी उसका मतलब इतने एक्टिव रहते हैं ना गुरुकुल के बच्चे कि वहाँ जिस इंस्टीट्यूट में उसने पूरी जो पढ़ाई पूरी की उस इंस्टीट्यूट्स वाले ने तुरंत उसको वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए रख दिया, ताकि उसको क्या जॉब के लिए वेट नहीं करना पड़े। तो पायलट में कैसा होता है कि आपकी एक बार डिग्री कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, जब भी नई भर्ती निकलती है तभी आपको उसमें जॉब मिल सकती है, परंतु उसको तो तुरंत ही वहाँ पे दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया। तो ये चीज़ें है कि जो एक्टिवनेस इनके अंदर आ जाती है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का उनका जो शेड्यूल रहता है, जिसके अंदर वो अपने आप को इतना मतलब ट्रेंड कर लेते हैं कि वो कोई भी कार्य करने के लिए एकदम रेडी रहते, एकदम सक्षम रहते, उसे ये सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस डेफिनेटली वो कोई भी काम करने के लिए रेडी रहता है। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन ओपन है, मतलब लोग एडमिशन कराना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी जिस तरीके से कोरोना के बाद अभी जो माहौल चल रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों के फ़ोन से, बच्चों के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसलिए हमारे पास एडमिशन की अभी इंक्वायरी फ़्लो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एडमिशन्स कंटिन्यूसली ले रहे हैं। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो एडमिशन्स अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करके नॉर्मल बच्चे की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, क्लास, आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिए, तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। अथवा दूसरा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे भी आप कॉल करोगे तो भी आपको गुरुकुल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी एक चीज़ और, एक प्रश्न लोगों के माइंड में ये रह जाता है कि भाई हॉस्टल्स है, वहाँ पे रहना खाना सारी चीज़ें, तो उनको ऐसा लगता होगा कि यार बहुत कॉस्टली, हम अपने बच्चों को वहाँ रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को रहता है। जब हम इंक्वायरी के कॉल हमारे पास आते हैं तो इंक्वायरी टीम हमें रिपोर्ट देती है, तो यही ज़्यादातर मोस्ट ऑफली क्वेश्चंस यही रहता है कि सर फीस कैसी है, कितना है। तो लगता है अरे सर आप इतनी सारी चीज़ें दे रहे, हमको लग रहा होगा कि लाखों में फ़ीस होगी, परंतु यहाँ तो फीस एकदम हज़ारों में और एकदम नॉमिनल है। तो कोई भी साधारण से साधारण इंसान भी अगर उनका बच्चे के अंदर टैलेंट है, वो गुरुकुल का लाभ लेना चाहते हैं, तो आराम से अपने बच्चे को गुरुकुल का लाभ दिला सकते हैं। और रही बात फीस भरने की, तो वो जो नॉमिनल फीस है उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पे कर सकते हैं। बहुत सारे के क्वेश्चंस तो मेरे पास रिवर्स ये रहते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें देते हो, आप इतने सस्ते में कैसे कर पाते हो। तो यही तो हमारे बापूजी के ज्ञान का कमाल है कि बापूजी हर चीज़ को बारीकी से परखते हैं और हर चीज़ को हम अच्छे से और कम खर्च में कैसे कर सकते हैं, ये सारी युक्ति हमें बापूजी ही बताते हैं। और उसी युक्ति के तहत हम बच्चों को एकदम नॉमिनल खर्च में भी अच्छे से अच्छे एकदम क्रीम लेवल का एजुकेशन भी दे पाते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दे पाते हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी हम उन्हें करा पाते हैं। भरत भाई कारसरिया, कलावड़ तालुको, जामनगर जिला थी आऊँ छूँ, सौराष्ट्र के रहने वाले हैं। बच्चा यहाँ गुरुकुल में पढ़ता है, 5-6 कक्षा से 5 साल से पढ़ रहा है। 500-600 किलोमीटर दूर से? हाँ, लगभग 500 किलोमीटर दूरी है घर से। तो इतना दूर यहाँ सूरत तक आप बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो, वहाँ क्या स्कूलें नहीं है क्या? बहुत सारे स्कूलें हैं, लेकिन यहाँ पर जो बापू जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है वैसा हमको कहीं नहीं दिखा। बहुत सारे इनको गुरुकुल में हॉस्टल में रह के पढ़ने की ज़रूरत भी थी, इनकी इच्छा भी थी, तो काफ़ी करीबन 15-20 संस्थाओं में मैंने देखा था। 5वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था तब उनको साथ में लेके भी मैं गया था, तो उनको यही अनुकूल लगा कि भाई यहीं रह के मैं पढ़ूंगा। यहाँ कितने सालों से पढ़ रहा है? यहाँ 5 साल पूरा हुआ, 6वीं कक्षा से यहाँ था, तो अभी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी है। कितना फ़र्क पड़ा, मतलब बच्चा यहाँ पढ़ रहा है था, घर पे पढ़ रहा था, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? जो घर पे पढ़ाई में ध्यान देना होता है, जो संस्कार दे पाते हैं वो घर पे पॉसिबल नहीं है, जो गुरुकुल में मिलता है। गुरुकुल का मार्गदर्शन है, गुरुकुल का जो नियम है, घर पे रहते हैं तो टीवी देखना, मोबाइल देखना,
पढ़ाई में ध्यान कम लगना, सारे प्रश्न रहते हैं। यहाँ पर रहने के बाद एक तो एकाग्रता रहती है, दूसरा जो संस्कार मिलते हैं, संस्कृति को जुड़ के जो रहने का माहौल मिलता है। घर पे रहते हैं तो टीवी देखते हैं बच्चे, तो कुछ ना कुछ परोसा जाता है, पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करते हैं बच्चे। और यहाँ रह के संस्कृति के साथ जुड़ के योगासन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं, त्रिकाल संध्या होती है, सुबह जल्दी जगना, फिर शाम को टाइम से सो जाना, पढ़ाई में एकाग्रता से ध्यान देना, और ये सारा जो सांस्कृतिक रूप से पढ़ाई की जाती है, तो इसके कारण एकाग्रता बढ़ने के कारण उनका सर्वांगी विकास होता है, ये हमको देखने को मिला है। मेरा नाम आदित्य कारसरिया है, मैंने अभी 10वीं कक्षा खत्म। क्या यहाँ फर्क पड़ा, मतलब जब घर पे पढ़ते थे यहाँ पढ़ने आए, क्या डिफरेंस लगा? घर पे पढ़ने में कभी कभार ऐसा होता है टीवी रहता है, उधर मोबाइल रहता है, तो कभी कभार पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन इधर पढ़ने में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। इधर नियमित रूप से जब ध्यान होता है तो याद शक्ति भी बहुत बढ़ती है। खाने पीने की बात करें तो अच्छा खाना पीना? हाँ, बहुत अच्छा खाना पीना है। और क्या कहना चाहोगे जो नए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम हमारे बच्चे को गुरुकुल में भेजें, तो उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहोगे? आज के दिन में पेरेंट्स को सबसे बड़ी समस्या है कि मानो कि 12वीं तक 10वीं तक पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए एक ही चिंता रहती है पेरेंट्स को कि संस्कार, फिर बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं है, गलत रास्ते पे जाता है, व्यसन करता है, तो ये सारी चीज़ों से अगर बचना है और संस्कृति के साथ जुड़ के अगर आगे बढ़ना है, जीवन उन्नत करना है, बच्चों का संस्कार और बच्चों की ज़िंदगी का अगर देखना है तो गुरुकुल में ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है सबसे बड़ी समस्या माता पिता की, बच्चा जल्दी नहीं उठता, मोबाइल 24 घंटे मतलब मोबाइल हाथ में ही रहता है, रात देर भर तक गेम खेलता रहता है, तो यहाँ ये सब छूट जाता है। ये तो एक मोबाइल वाला तो मानो कि एक टाइप का व्यसन टाइप का ही है, वो तो छूटता ही छूटता है, लेकिन बच्चों की उम्र मानो कि 7-8 साल की उम्र के बाद समझने लायक होता है, वहीं से लेकर 18 साल 14-15 साल की उम्र तक जो संस्कार का सिंचन होना चाहिए, गलत रास्ते पर न जाए, व्यसन नहीं करे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल की पढ़ाई सबसे बेहतरीन है। मेरा नाम विजय रमेश चंद्र बलगामड़िया है और मेरा बच्चा इधर गुरुकुल में पढ़ता है, एक ही बच्चा है फिर भी मैंने गुरुकुल में उसको इधर रखा है, क्योंकि इधर आध्यात्मिक लेवल बहुत अच्छा है, इधर का एटमॉस्फियर, बच्चे इंडिपेंडेंस अपना काम कैसे करना है वो सब सीख सकता है और अच्छी है, इधर माहौल है उसके लिए। कितने सालों से पढ़ते? मैं इधर 2 साल पूरा हो गया, अभी तीसरा साल भी पूरा हो जाएगा, अभी 7वीं में। क्या फर्क है, मतलब बाहर जब घर पर रहते थे पढ़ते थे, यहाँ आकर पढ़ रहे हो, कितना फर्क? पहले तो उतना उधर वो स्कूल में अच्छे से पढ़ाते नहीं थे, अभी इधर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कितना फर्क पड़ा, मतलब बच्चा जब घर पर रहता था यहाँ आया, कितना फर्क? घर में तो क्या, स्कूल से आया फिर ट्यूशन गया, बस ट्यूशन से आया फिर डिंगा मस्ती, यहाँ पे तो थोड़ा शिस्त में आ गया है और इसका खान पान में भी सुधार हो गया है, नहीं तो पहले तो क्या पापा ये चाहिए, होटल में जाना है, इधर जाना है, वो सब अभी बंद हो गया है, तो ये फर्क है। पहले घर पर कितने बजे उठते? पहले तो 8-7 के बीच में, अभी तो घर पे आता है तो भी वो 5:30 लास्ट में लास्ट 5:30 उठ जाता है। तो और बच्चे मतलब और माता पिता एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको क्या संदेश दोगे? संदेश तो यही है कि इससे अच्छा माहौल उनको कहीं नहीं मिलने वाला है, बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है, क्योंकि आगे का जो माहौल आ रहा है वो ऐसा ही है कि बच्चा खुद खड़ा हो सके, वो प्लेटफॉर्म यहीं पर मिलेगा उसको।